नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं जय जय न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बनभूलपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत तीन तलाक का मामला सामने आया है। बता दें पूरे मामले में पुलिस ने पीड़ित महिला की तहरीर पर उसके पति और सास जेठ पर दहेज उत्पीड़न सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं पुलिस के मुताबिक बनभूलपुरा थाना क्षेत्र मोहम्मदी मस्जिद के पास इंद्रनगर की रहने वाली महिला ने पुलिस में दी तहरीर में कहा है कि 23 मई 2022 को मुस्लिम रीति रिवाज से रेहान निवासी मोहम्मदी मस्जिद बनभूलपुरा के साथ उनकी शादी हुई थी, जिसमें शादी में उनके घर वालों ने यानी कि मायके वालों ने अपनी हैसियत के हिसाब से ज्यादा दान दहेज दिया था, लेकिन दहेज में दिए गए सामान से उसका पति रेहान, सास और जेठ खुश नहीं थे और अक्सर उसके साथ मारपीट करते थे। यही नहीं, ससुराल वालों ने दहेज में मोटरसाइकिल और सामान अच्छा नहीं देने का आरोप लगाकर फिर से मोटरसाइकिल और नकदी की मांग करते हुए अक्सर उसके साथ मारपीट की और दहेज की मांग करते हुए उसका पति बच्चा पैदा भी नहीं होने देता है। पति हमेशा उसके साथ अक्सर अप्राकृतिक संबंध भी बनाता है, जहां उसका विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की जाती है। और जब इस बात की शिकायत उसने अपने सास से कही तो वह कहने लगी, तेरा शौहर है, जैसा कहता है वैसा करना पड़ेगा। पति और सास ने 17 जनवरी 2023 को बुलेट मोटरसाइकिल और 2 लाख की नकदी की डिमांड करते हुए घर से उसे बाहर निकाल दिया। जब इसकी शिकायत पुलिस से की गई तो पति ने अपने आप को बचाने के लिए महिला हेल्पलाइन में प्रार्थना पत्र देते हुए माफी की मांग कर फिर उसे को अपने घर ले जाने की बात करते हुए वो किराए के मकान पर ले जाकर उसे रखने लगा। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन पति फिर से उसके ऊपर अत्याचार करते हुए नकदी और बुलेट मोटरसाइकिल की मांग करते हुए 4 अगस्त 2023 को उसको मायके लाकर छोड़ गया। कहा कि जब तक दहेज लेकर नहीं आएगी तब तक घर पर मत आना। इस दौरान पति ने उसकी कोई खोज खबर नहीं ली और 26 सितंबर 2024 को पति रेहान ने उसके व्हाट्सएप मोबाइल पर 3 तलाक लिख कर भेज दिया और कहा कि आज से हमारा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। बहरहाल पूरे मामले में पीड़िता ने बनभूलपुरा थाने में पति और सास जेठ के खिलाफ दहेज उत्पीड़न सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। यही नहीं, पति ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। तो वहीं बनभूलपुरा थाना प्रभारी नीरज भाकुनी ने बताया कि पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए जय जय न्यूज। धन्यवाद।